सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा धनुष भंग के पहले पद की व्याख्या। अब आइए हम इसके आगे की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह वस वचन कहें बिलखाय। बिलखाय अर्थात रोते हुए। इसके पहले की पंक्ति में आपने देखा था कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और श्री राम मंच पर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जाते हैं, और जब श्री राम के कोमल शरीर को सीता जी की माँ देखती हैं तो वो अत्यंत ही व्यथित हो उठती हैं। और उनके व्यथित होने का कारण ये होता है कि वो चाहती तो थी कि श्री राम का विवाह सीता से हो, सीता का विवाह अन्य किसी के साथ ना हो, केवल श्री राम के साथ हो। लेकिन उसके पहले उन्होंने देखा कि बहुत सारे राजा आते हैं और धनुष को उठाने की कोशिश में वो नाकामयाब हो जाते हैं। तो वो जब धनुष को देखती हैं और श्री राम को देखती हैं तो श्री राम का कोमल शरीर उन्हें कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो धनुष उठा लेंगे, क्योंकि वो बच्चे ही थे। तो सीता जी की माँ राम को देखकर वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाती हैं, उनकी मातृत्व भावना प्रबल हो जाती है और वो अपनी सहेलियों से अपनी व्यथा बताती हैं। उसी का वर्णन इस पंक्ति में है कि रामहि प्रेम समेत लखी। लखी अवधी भाषा में देखने को लखना कहते हैं, लखना अर्थात देखना। रामहि प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम पूर्वक देखकर, प्रेम सहित देखकर सखिन समीप बुलाए, अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाकर, सीता मातु स्नेहवश, सीता जी की माता स्नेह से परिपूर्ण हो या स्नेह के वशीभूत होकर वचन कहें बिलखाय। बिलखाय अर्थात बिलाप करते हुए, वचन कहें अर्थात बोली। रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेहवश वचन कहें बिलखाय। राम को प्रेम पूर्वक देखकर, अपनी सहेलियों को समीप बुलाकर, स्नेह के वशीभूत होकर सीता जी की माता रोते हुए वचन बोली या रोते हुए विलाप करते हुए कहा। सखी सब कौतुक देख निहारे, कौतुक अर्थात तमाशा। हे सखी, यह सब जो यहाँ उपस्थित हैं वो तमाशा देखने वाले हैं। जेव कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हमारा हित चाहने वाले कहलाते हैं, वो सब तमाशा देखने वाले हैं। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असि हटबल नाही। कोई भी उनके गुरु विश्वामित्र को, विश्वामित्र को ये समझाकर नहीं कहता कि ये तो अभी बच्चे हैं, असि हटबल नाही, इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। क्योंकि सीता जी का स्वयंवर चल रहा था और वो कोई तमाशा नहीं था, कोई मजाक नहीं था, और ऐसे में बाल राम का वहाँ पे जाना सीता माँ को ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे कि उनके हितैषी सब तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो वास्तविक रूप में हित चाहते तो गुरु विश्वामित्र को समझा कर ये कह देते कि वो राम को आज्ञा ना दे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की, क्योंकि राम की अवस्था कम है, कोमल शरीर वाले हैं, वो धनुष को भला कैसे उठा पाएंगे, इसलिए उनके लिए ये बालहट उचित नहीं है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत ही तू हमारे। सीता की माँ अपनी सहेली से कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हित चाहने वाले, हितु कहलाते हैं, वो सबके सब तमाशा देखने वाले हैं। कौन बुझाई कहत गुरु पाही, ए बालक सटिबल नाही। कोई भी गुरु विश्वामित्र से ये समझा कर नहीं कहता कि वो राम को धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा ना दे, क्योंकि ये बालक हैं, बच्चे हैं, ऐसे हटबल नाही, उनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा अर्थात धनुष। रावण का नाम आपने सुना ही होगा, रावण महायोद्धा भी था और महाज्ञानी भी था। बाणासुर, बाणासुर भी योद्धा ही था, जिसका वध रावण और बाणासुर दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण ही किया था, लेकिन कुछ समय के उपरांत। तो यहाँ पे रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा उपस्थित थे सीता के स्वयंवर में, छुआ नहीं चापा, लेकिन उन्होंने धनुष का स्पर्श तक नहीं किया।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा उपस्थित है स्वयंवर सभा में, लेकिन छुआ नहीं चापा, उन्होंने धनुष का स्पर्श नहीं किया, धनुष को छुआ नहीं। हारे सकल भूप करी दापा, दापा अर्थात घमंड, भूप अर्थात राजा, और जो अन्य राजा उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे वो घमंड करके हार गए, अर्थात उनका घमंड टूट गया, क्योंकि वो प्रत्यंचा चढ़ाने में असमर्थ हो गए, तो उनका अहंकार समाप्त हो गया और वो हार कर चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गए। सो धनु राज कुवर कर देही, वही धनुष अब राजकुमार श्री राम को दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, मराल अर्थात हंस, क्या हंस का बच्चा, बाल अर्थात बच्चा, क्या हंस का बच्चा मंदर ले ही मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? क्या ये संभव है कि छोटा सा बच्चा हंस का मंदराचल पर्वत उठा ले? जब ये संभव नहीं है तो श्री राम जैसा बाल सुकुमार कोमल शरीर वाला बच्चा धनुष पे प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकता है, जिस धनुष को रावण और बाणासुर छुए तक नहीं, स्पर्श तक नहीं कर पाए, उसको श्री राम कैसे तोड़ सकते हैं? बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगिनी नरानी। सीता जी की माँ के इस प्रकार के वचन को सुनकर उनकी एक चतुर सहेली ने मृदुवाणी मधुर वाणी में कहा, मृदु अर्थात मधुर, वाणी वाणी में, उनकी एक चतुर सखी ने, सहेली ने मधुर वाणी में कहा, तेजवंत लघुगिनी नरानी, हे रानी तेजवान को लघु अर्थात छोटा, छोटा नहीं गिनना चाहिए, तेजवान को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज सिंधु अपारा, कह कुंभज, कह सिंधु अपारा, कुंभज दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंभ और ज, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ज अर्थात उत्पन्न, जो घड़े से उत्पन्न हो वो कुंभज कहलाता है। तो घड़े से उत्पन्न कौन हुए थे? ऋषि अगस्त। सीता माँ, सीता जी की माँ की सहेली कहती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ विशाल समुद्र, समुद्र की विशालता से तो आप अवगत ही हैं, कहाँ घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त और कहाँ ये विशाल समुद्र। सोखे उस सुजस सकल संसारा, जिसको कि उन्होंने सोख लिया, उस समुद्र का पान कर लिया, और जिसका यश ये सारा संसार, ये सारा भूमंडल गाता है। रवि मंडल देखत लघुलागा, सूर्य भी देखने में छोटा ही प्रतीत होता है। रवि मंडल, रवि अर्थात सूर्य, देखत लघुलागा, देखने में छोटा ही लगता है, छोटा ही प्रतीत होता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन जब उदित होता है, निकलता है, तो त्रिभुवन, त्रि अर्थात तीन, भुवन अर्थात लोक, तीनों लोकों का तम अर्थात अंधकार भाग जाता है। जब सूर्य उदित होता है, जो कि देखने में छोटा प्रतीत होता है, लेकिन उसके उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है, भाग जाता है। तो इस पंक्ति में आपने देखा सीता की माँ की व्यथा और कृष्ण के प्रति उनकी वात्सल्य भावना। धनुष भंग जो तुलसी ने लिखा है वो दोहा और चौपाई शैली में लिखा है। तो ये जो प्रस्तुत दो पंक्तियां हैं ऊपर की, ये दोहा छंद में है, नीचे की जो पंक्तियां हैं वो चौपाई छंद में, जैसे कि वहाँ प्रारंभ में ही हमने लिखा है। भाषा तुलसी की अवधि थी, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं वो रामचरितमानस से ली गई हैं, और रामचरितमानस तुलसी ने अवधि भाषा में लिखा, तो इसमें जो भाषा है वो अवधि है, छंद हमने आपको बता दिया। रस की बात करें तो वात्सल्य है, क्योंकि श्री राम को देखकर सीता की माँ की वात्सल्य भावना जागृत हो गई थी, तो रस इसमें आपको वात्सल्य मिलेगा। अलंकार जो है वो अनुप्रास है, अनुप्रास कहाँ कहाँ होता है आप जानते ही हैं, कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है, वहाँ पे अनुप्रास होता है, तो अनुप्रास आपको इन पंक्तियों में मिल ही जाएगा। गुण की बात करें तो सीधे सीधे अर्थ निकल के, अभी शब्द शक्ति की बात करें तो इसमें अविदा है, क्योंकि सीधा सीधा अर्थ निकल के आता है, साथ ही साथ व्यंजना भी है, क्योंकि सीता की माँ जो हितैषी हैं उन पे कटाक्ष भी करती हैं, इसलिए इसमें शब्द शक्ति व्यंजना भी है। और गुड़ की बात करें तो जहाँ पे रसवात्सल्य होता है, वहाँ पे जो गुड़ होता है वो माधुर्य होता है। एक बार इसका फिर से जल्दी से अर्थ देख लेते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखी ने समीप बुलाए, राम की माता ने श्री, माफ कीजिएगा, सीता की माता ने राम को प्रेम सहित देखा, सखी ने समीप बुलाए। राम को प्रेम सहित देखकर, अपनी सहेलियों को समीप बुलाकर, सीता की माता ने स्नेह के वशीभूत होकर रोते हुए कहा,
सखी सब कौतुक देख निहारे, जेउ कहावत ही तू हमारे। ए सखी, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे हितैषी बनते हैं कहलाते हैं, वो सबके सब तमाशा देखने वाले हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वो गुरु विश्वामित्र को समझाते। कौन बुझाए कहे गुर पाई, कोई भी विश्वामित्र को गुरु को ये समझा के नहीं कह रहा है कि ये बालक सटबल नहीं, ये श्री राम अभी बच्चे हैं, इन्हें ऐसा हट करना उचित नहीं है, इसलिए विश्वामित्र इनको धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने से रोके। रावण बाण छुआ नहीं चापा, ये जो धनुष है वो साधारण धनुष नहीं है, उस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धा भी स्पर्श नहीं कर पाए। हारे सकल भूप करे दापा, और सारे राजा घमंड करके हार गए लेकिन उसे छू तक नहीं पाए। सो धनु राज कुंवर कर दे, वही धनुष वो श्री राम को दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले, क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघुगनी नरानी। सीता की माँ की इस व्यथा को देखकर उनकी एक चतुर सहेली ने उनसे मधुर वाणी में कहा कि हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त, और कहाँ ये विशाल समुद्र। सोख्यो सुजस सकल संसारा, जिसको कि उन्होंने सोख लिया, उसका पान कर लिया, और यह सुनकर सारा संसार गाता है। रवि मंडल देखत लगुलागा, सूर्य भी देखने में छोटा ही लगता है लेकिन जब वो उदित होता है तो तीनों लोगों के अंधकार को दूर कर देता है। आइए अगले पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। आपने इसके पहले की पंक्ति में देखा, सीता की माँ जब व्याकुल हो गई थी, व्यथित हो गई थी कि श्री राम धनुष पे प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएंगे, तो उनकी उस व्यथा का, उनकी उस समस्या का समाधान उनकी चतुर सहेली तर्क संगत बातों के द्वारा और विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करके देती है। उसी का वर्णन इस पंक्ति में है कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र बहुत ही छोटा होता है। आपने भी देखा होगा जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, बहुत छोटा मंत्र होता है, लेकिन उस मंत्र के वश में विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव जी, सुर देवता, सर्व सभी। विधि ब्रह्मा जी को कहते हैं, हरि विष्णु जी को कहते हैं, हर शिव जी को कहते हैं। आप कहते हैं हर हर महादेव, तो हर शिव जी के लिए है, और सुर देवता सर्व सभी। सीता की माँ की चतुर सहेली बोलती है, कहती है कि मंत्र भी, हे रानी, मंत्र भी बहुत छोटा होता है लेकिन उस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता हो जाते हैं। महामत गजराज कहो, महामत अर्थात मतवाले, गजराज हाथियों का राजा, हाथी, बसकर अंकुश कर्व, अंकुश एक छोटा सा होता है, उस अंकुश से ही हाथी को वश में किया जाता है, और मतवाला हाथी भी उस छोटे से अंकुश के वश में हो जाता है। वो छोटा सा अंकुश हाथी पर, मतवाले हाथी पर नियंत्रण कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, सीता जी की माँ की सहेली उनकी व्यथा को दूर करने का उपाय करते हुए, तर्क संगत बातों से उनकी समस्या का समाधान करते हुए कहती है कि मंत्र भी देखने में छोटा ही होता है लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त देवता हो जाते हैं। महामत गजराज कहो, बसकर अंकुश कर्व, और मतवाले हाथी को भी एक छोटा सा अंकुश ही अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने वस कीने। काम कुसुम, कुसुम अर्थात फूल, कामदेव, काम अर्थात कामदेव, धनु सायक धनुष बाण, लीने सकल भुवन अर्थात संसार, कामदेव भी फूलों का बाण ही लिए रहते हैं और उसके वश में संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेते हैं। कामदेव के पास एक फूलों का बाढ़ ही रहता है और उस फूलों के ही धनुष बाढ़ से वो संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेते हैं। देव तजी संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। इसलिए हे रानी, ऐसा जानकर संशय अस जानी, आप अपने संदेह का तजी परित्याग कर दीजिए। इसलिए हे रानी, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर आप अपने संदेह का परित्याग कर दीजिए। भंजब धनुष राम सुनुरानी, भंजब अर्थात तोड़ेंगे, श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखिए। क्योंकि उन्होंने पहले बताया कि छोटा देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो कार्य है वो नहीं कर पाएगा।
तो देवी तजी संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी, ऐसा जानकर अपने संदेह का परित्याग कर दीजिए और श्री राम जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, ऐसा विश्वास करिए। सखी वचन सुनि भय परतीति, अपनी सहेली के इस तर्क संगत बात को सुनकर सीता की माँ को परतीति अर्थात विश्वास, सीता की माँ को विश्वास हो गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, जो उनका विषाद था, जो उनकी पीड़ा थी, जो उनकी व्यथा थी, वो मिट गई, समाप्त हो गई। बढ़ी अति प्रीति, और श्री राम के चरणों में उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। सखी वचन सुनि भय परतीति, सखी के वचन को सुनकर सीता की माँ को विश्वास हो गया कि श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, और उनका जो विषाद था, जो पीड़ा थी, दुख था, वो मिट गया और श्री राम के चरणों में उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। अब देखिए अगली पंक्ति में, ये तो ऊपर की पंक्तियों में सीता की माँ की व्यथा थी जिसको उनकी सहेली ने दूर किया, लेकिन नीचे की पंक्ति में श्री राम को देख कर, श्री राम के कोमल सुकुमार को देखकर सीता जी भी व्यथित हो जाती हैं, क्योंकि सीता इससे पहले श्री राम को वाटिका में मिल चुकी थी और श्री राम को ही अपने पति रूप में वरण करना चाहती थी, लेकिन जब श्री राम की सुकुमार और कोमल अवस्था को देखा तो वो भी एक समय के लिए विचलित हो गई, भयभीत हो गई कि कहीं अगर श्री राम धनुष को तोड़ ना पाए तो क्या होगा। इसलिए श्री राम को देख कर, श्री राम के प्रति प्रेम के कारण, भक्ति के कारण वो देवताओं से विनती करने लगी कि वो धनुष के भारीपन को कम करे। उसी का वर्णन है अब अगली पंक्तियों में। तब राम ही विलोक वैदेही, विलोक अर्थात देखकर, तब राम को देखकर सीता जी ने सभय हृदय विनवत जहिते ही, भयभीत हृदय से, सभय भय सहित भयभीत हृदय से विनवत जहिते ही जिस तिस देवता की विनती करने लगी। तब ही राम ही विलोक वैदेही, सभय हृदय विनवत जहिते ही, तब श्री राम की तरफ देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की विनती करने लगी। मन ही मन मनाव वकुलानी, और वो मन ही मन व्याकुल होकर मनाने लगी कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव जी पार्वती जी आप प्रसन्न होइए। मन ही मन मनाव वकुलानी, मन ही मन वो व्याकुल होकर मनाने लगी कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव जी पार्वती जी आप हम पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई, करि हित हरहु चाप गरुआई, आपकी जो मैंने सेवा की है उसको सफल कीजिए, आपकी जो मैंने प्रार्थना पूजा और सेवा आराधना की है उसको सफल कीजिए। करिहित हरौ चाप गुरुदाई, और मेरे हित के लिए धनुष के चाप अर्थात धनुष गरुआई भारीपन, धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक वरदायक देवा, अब शिव जी पार्वती जी को मनाने के बाद वो गणेश जी को मनाती हैं कि हे गणों के नायक, वर देने वाले श्रेष्ठ गणेश जी, आज लगे कि इन्हें तो सेवा, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की थी, क्योंकि मैंने आपकी सेवा इसी के लिए की थी कि श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, और आज ही वो दिन है कि मुझे मेरी पूजा का फल, मेरी आराधना का फल, आपकी सेवा का फल मिले। इसलिए कहती हैं कि गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले श्रेष्ठ गणेश जी, आज लगे कि इन्हें तो सेवा, आज तक मैंने जो भी आपकी सेवा की है उसको सफल कीजिए। बार बार विनती सुन मेरी, मेरी प्रार्थना, मेरे निवेदन को सुनिए, जो मैं बार बार आपकी प्रार्थना, आपकी अनुनय विनय और आपका निवेदन कर रही हूँ उसको सुनिए। करूँ चाप गरता अति थोरी, और मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए श्री राम जी का वरण मैं करूँ, इसके लिए आप इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए अर्थात धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे श्री राम इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सके और हमारा पाणिग्रहण कर सके। तो आपने देखा कि ये इसका अर्थ तो आपने देखा। ऊपर अगर हम भाषा की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि धनुष भंग की समस्त पंक्तियों की भाषा अवधि है, क्योंकि ये रामचरितमानस का अंश है। छंद की बात करें तो जो ऊपर की दो पंक्तियां हैं उसमें दोहा छंद है, नीचे की जो पंक्तियां हैं उसमें जो छंद है वो चौपाई है। रस की बात करें तो इसमें भक्ति की बात है, क्योंकि पहले सीता की माँ राम के प्रेम में डूबी हुई थी, फिर नीचे की पंक्तियों में सीता की भक्ति का वर्णन है, राम के चरणों में जो उन्हें थी, तो रस भक्ति है, या आप श्रृंगार भी मान सकते हैं क्योंकि राम और सीता का प्रेम यहाँ पर है। तो और
शब्द शक्ति की बात करें तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है अविधा है, लेकिन कहीं कहीं लक्षणा भी है। गुण की बात करें तो जहाँ पे भक्ति होता है वहाँ पे गुण माधुर्य होता ही है, तो गुण यहाँ पर माधुर्य है। अलंकार की बात करें तो आपको अनुप्रास देखने को मिल जाएगा, अधिकतर पंक्तियों में अनुप्रास है। इसके जो अगला पद है उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, और आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।